अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मेरे नए वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पार्सल। तो मैंने कहा चले जी इकट्ठे इनबॉक्स करते हैं। मैंने अपने रमजान के लिए जो है वो कुछ चीजें ऑर्डर की थी जो कि आके रखी हुई है। जो कि काफी दिन से जो है मुझे पार्सल रिसीव हो गया था। वजनी है तो मुझे जो है वो अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज जो है वो फाइनली मैं अपनी रमजान प्रेप से और अपने सारे किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा आज जरा अपना पार्सल अनबॉक्स करते हैं। दो दिन रोजों में रह गए, कल ग्रोसरी करने के लिए जाना है। रमजान की बहुत ज्यादा डिमांड है कि रमजान की ग्रोसरी हॉल या वैसे ही ग्रोसरी हॉल शेयर करें। तो मैंने करनी तो नहीं थी, तो मैं कहा चलो जी ग्रोसरी भी कराते हैं बाद में भी कुछ, तो 15-20 दिन बाद भी तो करनी है, तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि एक दिन फ्री है। तो जिशान की कल छुट्टी है तो कल हम जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए। तो अभी जो है वो हम अपना पार्सल अनबॉक्स करते हैं देखने। अच्छा, मैंने भी इसमें कुछ नहीं देखा, बस ऑर्डर करते हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं है क्या क्या चीज मैंने ऑर्डर की थी। तो चले जी अनबॉक्स करते हैं। इतनी ज्यादा पैकेजिंग भाई, ऑब्वियसली क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी होती हैं, ग्लास की होती हैं। पैकेजिंग वाज ऑन पॉइंट। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर किया था यार। बस इतनी सी चीजें हैं, पैसे तो इतने सारे थे। चलो कोई नहीं, ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हैं ये स्ट्रॉस। मैं सेट कर रही हूँ कि आप लोगों को नजर अच्छे से आ जाए। ये हैं जी स्ट्रॉस, कुछ के जो हैं वो मुंह इधर को जा रहे हैं, कुछ के मुंह जो हैं वो सीधे जा रहे हैं। और इसमें जो है वो सबसे अच्छी चीज क्या है, इन्होंने जो है वो ब्रश भी दिया है इसको साफ करने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मेरे पास जजा का फीटर साफ करने वाला ब्रश अवेलेबल अभी नहीं था। तो चलिए उसके भी काम है, क्योंकि पता है स्ट्रॉस में ना वो जो शेक वगैरह आप पियो, स्ट्रॉबेरी शेक पीजिए, तो उसके जो उसमें सीड्स होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। टू स्ट्रॉस जो है वो स्ट्रेट है। ये मैंने नबा के लिए मंगवाए क्योंकि वो स्ट्रॉ के बगैर कोई चीज नहीं पीती, दूध शेक वगैरह कुछ भी। ठीक है, ये एक जो है ये पैकेट ऐसे है, तो मैंने कहा ये वगैरह हम बाद में अनबॉक्स करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ी छोटी छोटी चीजें अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है जी स्ट्रेनर, विच इज अ वेरी यूजफुल थिंग इन योर किचन। अच्छा, ये स्ट्रेनर जो होता है ना, ये दिखता कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये देखें, इसके नीचे जो है ये इस तरह से एक नेट सी होती है, अंदर भी इस तरह नेट सी होती है, और ये जो है इसका एक कह लें कि इसका प्लग सा होता है। आप इसको यूं यूं पुश करेंगे ना, तो ये इसके अंदर जो ये चीज है ना यूं यूं घूमेगी। मतलब कि आपने मैदा छानना है, बेसन छानना है, कोको पाउडर, कुछ भी बेकिंग के लिए आपने जो है वो छानना है, आप इसमें डालेंगे तो आप यूं 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 करेंगे तो वो जो है वो नीचे से निकलता जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी जाली जो है वो बहुत ज्यादा, वैसे मुझे मोटी लग रही है, पता नहीं ये यूजफुल। अच्छा नहीं, डबल डबल है, इसलिए जो है ये अच्छी है। और ये ज्यादा जगह भी नहीं लेता, बड़े वाले जो है वो अच्छे नहीं लगते। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मैंने मंगवाई है तो हर चीज गुड ही होगी। अच्छा जी, ये है जी मिनी विस्कर। नबा ने देख ली ना ये चीजें, वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। ये देखें, बड़े विस्क होते हैं ना, और कुछ चीजें होती हैं कि वो थोड़ी होती हैं, जैसे एक एग है तो उसमें बड़ा वाला विस्कर हम कैसे यूज करें, तो उसके लिए जो है ये बहुत अच्छी चीज है। कोई छोटी चीजें विस्क करनी है तो है भी बहुत प्रिटी। एक जो है वो ये, मैंने कहा पहले छोटी छोटी चीजें हम अनबॉक्स कर लें, फिर उसके बाद हम जो है बड़ी चीजें अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, ये है जी हाथ ड्राई करने के लिए मिनी टॉवल्स। एक जो है ये, इसमें प्रिंट ये है, मैं अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट ये है, एक जो है वो ये है, और एक ये है जो कि बहुत क्यूट भी है। एक खोल के दिखाती हूँ, ये आप जो है वो अपने सिंक के पास वो जो हुक लगा के ना एक, तो वहां पे आप इसे लगा सकते हो। और जब भी आपके, मेरे तो बड़ा मसला होता है, मुझे बार बार टिश्यू लेना पड़ता है, और गीले हाथों से तो आप टिश्यू भी नहीं ले सकते। इसकी क्वालिटी कैसी है यहाँ, गुड
हाथ ड्राई हो जाएंगे, ये देखें ये है। तो आप ये जो है ये इसके साथ ये हुक है, अब इसे यूं ऊपर से हैंग कर दोगे ना यूं पीछे से, और एक तो किचन में लगा हुआ प्रीटी भी लगेगा और दूसरा जो है वो आपके लिए एक काम की चीज भी हो जाएगी। तो ये जो है ये चार मैंने मंगवाए थे, सेपरेट सेपरेट हैं सब। अच्छा जी, तो ये है जी एक आइस क्यूब ट्रे जो कि इस तरह से है। मेरे पास यार इतनी सारी आइस क्यूब ट्रेज हैं, कुछ होता है ना कि आप लोगों को कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का ऑब्सेशन होता है, मुझे जो है वो किचन की चीज़ों का है बहुत ज़्यादा, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह की आइस क्यूब्स निकालना बहुत पसंद है। तो ये ज़रा थोड़ी सी गोल निकलेंगी रिंग्स वाली, तो इसलिए जो है वो मैंने, ज़िशान ने ये देखी ना कि मैंने क्या चीज़ें मंगवाई हैं, कसम से वो क्या करेगा मेरे से, क्या ही कर लेगा वो बेचारा। तो उसे लगे मतलब पता चले कि इतनी फजूल चीज़ें मैंने मंगवाई हैं यार, कोई एक यूज़फुल चीज़ नहीं। अच्छा जी, तो ये है ट्रे, आइस क्यूब ट्रे, और इसका ये जो है ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर ढक्कन, आई डोंट समझ नहीं लग रही यार इसकी, ये तो ज़िशान ही बताएगा ये क्या। तो आइस क्यूब ट्रे तो समझ में नहीं आई कैसे यूज होगी, होगी तो ठीक ही पर वो ज़िशान जो है वो टेक्निकल चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। तो अच्छा जी, तो ये है एक, ये तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है, ये जो नेल देख रहे हैं ना जो कि मैंने कल काट देने शहीद हो जाना है इन लोगों ने, ये है जी आपका स्टोव साफ करने के लिए, ठीक है। ये इसके आगे जो है वो स्टील वूल जो होती है ना उसके फाइबर्स लगे हुए हैं, ये देखें ये देखें, इससे जो है एक तो ब्रश है आपके जो है वो हाथ गंदे नहीं होते, नेल्स गंदे नहीं होते, मेरे तो नेल टूट जाते हैं जब भी मैं साफ करती हूँ, ये मैं यूज करके भी आपको बताऊंगी, ये आराम से जो है ये हर कोने में घुस जाएगा, ठीक है। स्टोव के अलावा कुछ भी आप साफ कर सकते हो, ये हर कोने में घुस के आराम से अच्छे से जो है वो क्लीनिंग कर दिया करेगा। एक जो है ये थ्री का सेट है, क्या है भाई अड़ी क्यों जा रहे हैं, एक जो है वो मैंने मंगवाया है ये, यार ये वैसे काफ़ी छोटा साइज लग रहा है, पिक्चर में बहुत बड़ा लग रहा था, ये थोड़ा बहुत धो के तो फिर होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ये वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, रमज़ान में जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है ये, और ये जो है वो मेरा लास्ट टाइम मैंने लिया था तो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो ख़राब ख़राब सा हो गया था। हाय हाय हाय, अच्छा जी तो देखते हैं ये क्या है। पर यार ये वो कलर नहीं आया जो मैं चाह रही थी, इसमें कलर ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला जो है वो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, विच इज़ वेरी बैड थिंग, जो है पेज वनों से इस चीज़ की शिकायत करूंगी, ठीक है। ये है कटलरी स्टैंड विच इज़ वेरी प्रिटी, और ये है एक्रेलिक का जो कि देखने में लगता है कि ग्लास है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ मैंने अपने स्पून किसमें रखे हुए थे, किचन टूर जो है वो मैं इसीलिए लेट कर रही थी कि मुझे था कि सब चीज़ें आ जाएं फिर जो है वो मैं किचन टूर दूंगी। तो ये है जी मेरा कटलरी स्टैंड, यार यूज़ करनी चीज़ें हमें आती नहीं। अच्छा, इसकी जो है वो सीधी साइड ये है, यहाँ से जो है वो आप स्पून्स रखेंगे, यहाँ पे ये भी एक स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, यहाँ पे आप अपने फोक्स रख लें, यहाँ पे बड़े स्पून रख लें, यहाँ पे छोटे रख लें, नाइफ्स रख लें, कुछ भी। तो ये जो है वो पीछे इसका है ग्लास, और नीचे जो है वो इसके यूं करके सुराह है, स्ट्रेनर है, तो आराम से जो है वो पानी इसमें नहीं खड़ा हुआ करेगा, इसमें से स्ट्रेन होके बाहर आ जाया करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसमें जो है वो तीन कलर्स थे पर मुझे कलर ऑप्शन नज़र नहीं आई, लेकिन ग्रे कलर मुझे लग रहा था कि मुझे लेना चाहिए किचन के लिए, बट इट लुक्स वेरी, ये ना मिंट ग्रीन सा कलर लग रहा है मुझे। ये जो है यकीन करें इस एक चीज़ की वजह से मैंने इतने पैसे अपने बर्बाद किए हैं, ये एक चीज़ मैं लेने गई थी वेबसाइट में और मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, ठीक है। ये हो गया, अब जो है वो हम खोलते हैं, ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मंगवाई हैं, जैसे कि ये है, यार ये तो अपनी तरफ से मुझे लगा था ये तीन है, ये तो एक है, तीन चीजों के पैसे में एक चीज, बहुत बुरी बात है। ये जो है ये इसके कील वगैरह हैं इसको फिट करने के लिए, और ये है जी डेकोरेशन पीस जो कि मैं लगाऊंगी यहाँ पे कहीं पे। यार मुझे तो ज़िशान कभी भी कील नहीं खोदने देगा मेरे किचन में,
ये जो है उसके नीचे ये हुक्स भी आप कुछ रख भी सकते हो, और यहाँ पे कोई डेकोरेशन पीस या कुछ भी रख सकते हो। है तो बहुत अच्छा, पर यार उन्होंने लिखा हुआ था कि ये 3 है, ये बहुत महंगा है, और ये 1-3 की प्राइस में बहुत होने वाली है मेरी आज से शाम से। यार ये भी संभालो, मेरा स्ट्रोलर पता नहीं कहाँ भाग जा रहा, इसको नीचे ही करते हैं हम। अच्छा जी, तो 8 जो है वो ये है चीज़। इसमें थे प्रोटेक्ट फ्रेश बॉक्सेस जो नीचे से हैं स्टील के और ऊपर से हैं इनके लिड्स प्लास्टिक के। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, किचन के मेरी चीज़ों के लिए बहुत यूज़ में आते हैं ये। वैसे इसमें पता नहीं कितने हैं, ये सबसे बड़ा वाला जो है मैं यूज़ करूँगी रोटी में जो खुशका हम यूज़ करते हैं ना उसके लिए, ये फिर है उससे छोटा। अच्छा मैं आपको एक मिनट साइजेस दिखाती हूँ, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इन सबसे छोटा, विच इज वेरी क्यूट। कोई होता है ना थोड़ा सा रायता बच जाता है कभी तो देसी मॉम्स की तरह हमें वो भी छुपा के रखना होता है, तो उसके लिए जो है वेरी बेस्ट थिंग। ये मैं अपनी मम्मा को बोलूंगी मेरे पापा के लिए मंगवाएं, क्योंकि उन्होंने जो पापा को लंच भेजना होता है ना दोपहर में, तो उनको इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत होती है। ये अच्छी चीज है। अच्छा जी, तो ये है। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है मेरा फोन भी बेचारा रिकॉर्डिंग कर करके थक जाता है। अच्छा जी, तो ये है मल्टी फंक्शनल वाटर एंड वेजिटेबल कटर। इसमें आप जो है वो अपनी वेजीज को ड्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कटिंग की बहुत सारी ऑप्शंस थी, और ये देखें ये इस तरह से है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, मल्टी फंक्शनल है तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं। आप लोग भी ऐसे करते थे छोटे होते, जब ये बबल रैप्स आते थे ना घर पे कोई चीज में, तो हम लड़ते होते थे सारे बहन भाई, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर मामा हम सबसे छीन के ये फेंक दिया करती थी, ना होगा और ना लड़ोगे। अच्छा ये वाओ, ये जो है ये जूस निकालने के लिए लेमन स्क्वीज कर सकते हो। इसमें आप जो है वो मौसमी का, माल्टे का, किसी भी चीज का जूस निकाल सकते हो। यार रोशनी जा रही है, लाइट्स में जो है ओवर ऑन कर लो। अच्छा, तो ये जो है इसमें काफी तरह के जूसेस आप बना सकते हो। ये है जी इसके साथ पिलर, ये है इसके साथ 4 तरह के कटर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मुझे जूलियन कटिंग करना बहुत बुरा लगता है, स्पेशली मैंने उसके लिए मंगवाया। अब अल्लाह करे कि इसमें जो है वो जूलियन कट की ऑप्शन हो, और ये है वो चीज जिससे जो है वो आप यहाँ पे प्याज अड़ा के तो यूं यूं करके तो इसे आप काट सकते हो कटर के ऊपर, खाते भी ये लगेगा। और ये है जी इसकी बास्केट विच इज वेरी क्यूट, और ये जो है इसमें आप कोई चीज डालते हो ना आपको धोनी है तो आप यूं करके इसे ड्राई कर सकते हो, यूं यूं चीज गिरेगी भी नहीं। अच्छा, दिस इज वेरी प्रिटी, और क्वालिटी वाज वेरी गुड आल्सो, द कलर इज वेरी प्रिटी। देखूं जरा कि ये लगेगा कैसे। इस तरह से इसके ऊपर लगेगा, और ये जो कटर हैं ये यूं इसके ऊपर लगेंगे कोई सा भी, और ये कटेगा। ये है जी सेकंड लास्ट मैट्रिक्स होम एसेंशियल्स। ये भी कोई स्टैंड है, स्टैंड ले लेके ना मैंने अपने घर में, क्या मैंने हॉल करना है स्टैंड्स पे, इतने स्टैंड्स क्या करने हैं भाई मैंने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और ये भी कील वाला हुआ ना यार, शुक्र है यार, ये भी सिर्फ 1 है, ये भी उन्होंने बोला था कि 3 होंगे, बहुत बुरी बात है यार, वैसे बहुत ही अफसोस वाली बात है। ये स्टिक ऑन है, शुक्र है मैं यहाँ पे टाइल पे स्टिक कर सकती हूँ। ये देखें, देखने में भी काफी प्यारा है। ये जी मैंने लिया था वाकई में इधर लगाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं जो है इसे फिट करूंगी, बहुत प्यारा है। इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स और डेकोरेशन पीसेस वगैरह मैं रखूंगी। हो गया जी ये, एंड लास्ट थिंग इज दिस, इसको भी खोलते हैं।
यार वैसे ना मैंने याद भी नहीं रखा और ना मैंने कार्ड की पिक्चर ली थी, ये भी नहीं याद मुझे कि टोटल कितनी चीजें थी, विच इज अ वेरी बैड थिंग। हाँ ये थे टिफिन्स जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, दो बॉक्सेस थे, ये मतलब कि अलग है और ये अलग है, इसमें थ्री है। हाँ वेरी क्यूट। अच्छा इनकी ना क्वालिटी अब चेक करते हैं क्योंकि पिक्चर में यार चीज बिल्कुल डिफरेंट लगती है, बहुत कम मेरे साथ ऐसा। वाओ द क्वालिटी वाज वेरी गुड। ये जो है ये साथ में इसके यूं प्लग्स हैं, स्टोरेज स्टैकेबल है विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग क्योंकि स्टैकेबल जो चीज होती है ना, ये देखिए सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा भी है। दिस इज सो क्यूट। ये मैं अपने पापा को दूंगी रायते के लिए। वेरी प्रिटी। अब मैं आपको एक बंद वाला भी दिखा रहा हूँ, ये है जी, ये देखिए नजर आ रहे बस इतनी सी चीजें इतने पैसों की। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे एक्सपेंसिव जो मेरी चीज आई है ना वो आई है ये। पैसे मैं नहीं बता रही, पेज मैं नहीं बता रही क्योंकि फिर ना प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाती हैं और मैं जो है वो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करी। इन्होंने मुझे पैसे थोड़ी दिए हैं कि मैं जो है वो इनकी चीज़ें प्रमोट करूं। इतने पैसे दे के मैंने ये अपना पार्सल लिया है, मैं क्यों बताऊं। अगर आप लोगों को किसी को पूछना है तो आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, फेवर दे सकती हूँ मैं आप लोगों को, बता भी दूंगी। क्या याद करोगे कि फजल ज़िशान ने कभी आप लोगों का भला किया था। चले जी ये थी मेरी अनबॉक्सिंग। अब ये जो हल्ले पूरे किचन में मैंने मचा दी हैं इसको समेटती हूँ।